Welcome friends, the question is the square root of 0.4 bar is 0.4 नंबर है और उसके ऊपर है बार, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट हम लोगों को फाइंड करना है। अगर हमारे पास नंबर होता 0.4 तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में इस तरह चेंज करते थे, 4/10, यानी पॉइंट के बाद जितना नंबर, एक के बाद उतना ज़ीरो, ठीक है। अगर नंबर होता 0.45 तो 45/100, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो दो ज़ीरो। अगर नंबर होता 0.135 तो 135/1000, इसी तरह चेंज करते थे। लेकिन यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद नंबर जो है उसके ऊपर है बार, लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए कि पॉइंट के बाद एक नंबर है और उसके ऊपर बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं 4/9, ये हो जाता है, इस तरह चेंज करते हैं अगर नंबर के ऊपर बार हो तो। अगर नंबर होता 0.43 और दोनों नंबर के ऊपर बार होता तो सिंपली हम क्या लिखते, 43/99, ठीक है। अगर नंबर होता 0.136 और तीनों नंबर के ऊपर बार होता तो हम लोग लिखते 136/999, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग किस तरह से इसको बार को रिमूव करना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 4/9, 2/3, ये स्क्वायर रूट हो गया। लेकिन गिवन ऑप्शन में 2/3 आंसर नहीं है, तो हम लोग अब डिवाइड करेंगे 3 से 2 को। तो 3 से 2 को करेंगे 0.36 / 18, 2 0, फिर 3 6 / 18, फिर 2 0, इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो 2/3 इक्वल हो जाएगा 0.666, और ये रिपीट होता रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको लेंगे 0.6 बार, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।